हे एवरीवन वेलकम टू स्टोरी पी तो ये जो कपल है ना वो अपने दौर में काफ़ी फेमस था इनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है हैंडसम एंड रिच मैन फॉल्स इन लव विद अ मुंडी इन गर्ल पर एंड में एक पार्टनर ने दूसरे को धोखा दे दिया I yes, right, uh, like to tell you that we're going to do a sad song for you. ये कहानी है एल्विस प्रेसिला प्रसिला की एल्विस म्यूजिक एंड एक्टिंग स्टार बन चुके थे लेडीज हिम मिलियंस में उनका नेटवर्क था ही वॉज मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन पर एल्विस को इतने जल्दी शादी नहीं करनी थी 1958 से लेके, 1960 तक एल्विस प्रेसली सर्व इन द यूएस आर्मी एंड तभी 1959 के साल में ना उन्हें जर्मनी में पोस्टिंग मिला था तो जब वो जर्मनी में थे उसी दौरान एक इवनिंग को उनके घर में पार्टी हो रहा था एलविस तब 24 फोर ईयर्स के थे उस पार्टी में प्रेसिला करके एक लड़की भी थी जब एलविस प्रेसली ने उसे देखा तब ही बाय बाय ब्यूटी ही अट्रैक्टेड बट प्रॉब्लम यह था कि वो जो लड़की थी ना वो सिर्फ फोर्टीन ईयर्स की थी तभी का एरा बहुत अलग था अभी ये सब होता तो मे बी अंडर एज लड़की को प्लीज करने के जुर्म में ना एलविस जेल में होता बट तब 20 ईयर्स का लड़का अपने से यंग टीनेज गर्ल को डेट कर रहा है ये सिना थोड़ा नॉर्मलाइज था प्रेसिला को मिलने के बाद एल्विस ने उससे बात किया और पूरे पार्टी के दौरान दोनों साथ में ही थे के दौरान एल्विस गॉट टू नो कि एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स से ही है पर उसके स्टेप डैड का ट्रांसफर जर्मनी में हुआ था हेंस पूरी फैमिली उसके चली गई थी रात को को जब एल्विस ने को घर में छोड़ा तब प्रसिला के जो पेरेंट्स थे उनसे काफी नाराज हुए थे क्योंकि रात को काफी लेट प्रसिला घर आई थी बट फिर भी एल्विस ने एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाया प्रेसिला की फैमिली पे जब उसने उनसे बात किया एंड ये प्रॉमिस किया दैट इसके बाद ही विल नेवर ब्रिंग प्रेसिला होम लेट अगेन एंड वो इवनिंग के बाद से ना प्रसिला एंड एल्विस एक दूसरे को डेट करने लगी पर ईयर 1960 में एलविस को वापस जर्मनी छोड़ के यूएस आना पड़ा तो दोनों ने अपने गुड बाइस बोले एंड एलविस वहां से निकल गया एलविस क्योंकि एक बड़ा सेलिब्रिटी था तो उसके वापस यूएस जाने के बाद भी मीडिया प्रसिला जो सिर्फ फोर्टीन ईयर की थी उसके पीछे पड़ी रहती फॉर इंटरव्यूज एलविस एंड प्रसिला भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे एंड वाया फोन दे दूस टू कीप इन टच समर ऑफ ना वो साल था जब प्रेसिला के पेरेंट्स ने उसे अलाउ किया कि वो दो हफ्ते के लिए यूएस जाके वापस आ सकती है ऑलमोस्ट दो साल बाद वो एलविस को मिलने वाली थी एलविस के पेरेंट्स ने कुछ शर्तें रखी थी फर्स्ट क्लास राउंड ट्रिप टिकट्स बुक किया जाएगा कोई कोई खुशी खुशी सबको हाँ ये दो हफ्ते के ट्रिप के दौरान ना एलविस ने प्रेसिला को उसका लाइफ दिखाया एज एस सेलिब्रिटी उसकी जिंदगी कैसी है आफ्टर दिस ट्रिप ना प्रेसिला ने कहीं ना कहीं, कहीं डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई यूएस में ही पूरी करना चाहती है वो जर्मनी में नहीं रहना चाहती तो ईयर 1963 को जब वो 18 इयर्स की हो गई तब उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ किया कि वो यूएस जाकर रह सकती है कंडीशन सिर्फ ये था कि वो ऑल गर्ल्स कैथलिक स्कूल में ही जाएगी एंड प्रेसिला ने वैसे ही किया प्रेसिला जो है ना वो पढ़ाई के पर्पज से टेनेसी में मूव हुई थी एंड एलविस हॉलीवुड में अपने काम में बिजी रहते थे प्रेसिला को लगा था कि यूएस आने के बाद वो और भी ज्यादा वक्त एलविस के साथ बिता पाएगी पर ऐसा नहीं हो रहा था एल्विस शूटिंग में इतना बिजी रहता कि वो प्रेसिला से मिलने जा नहीं पाता था एंड प्रेसिला को भी बोलता था कि वो हॉलीवुड अभी आ नहीं सकती उसी दौरान जो एक्ट्रेस के साथ एलविस काम करता था उनके साथ उसके अफेयर की खबर न्यूज पेपर में छपने लगी ये सब पढ़ के प्रेसिला स्टार्टेड डाउटिंग एलविस की वो सच में उससे प्यार करता भी है की नहीं पर एवरी टाइम एल्विस यही बोलता था की ये सब जस्ट एक रूमर है फिल्म के प्रमोशन के लिए बट कहीं ना कहीं एल्स वॉज लाइंग क्यूँकी ये कहा जाता है की कई लीडिंग एक्ट्रेसिस के साथ उसका अफेयर चालू था दूसरी तरफ प्रेसिला भी न्यूज में जो आर्टिकल्स छप रहे थे ना उसे इग्नोर करी थी एंड एलविस के झूठ को सच मान लेती लेटर ईयर 1966 को प्रेसिला जब 21 इयर्स की थी एंड एलविस 31 इयर्स के तब एलविस प्रपोज पर एलविस के मैनेजर ने एलविस को याद दिलाया कि अभी वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि एक रिकॉर्ड लेबल के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें एक ऐसा क्लॉज है जिस वजह से अभी ही कैनॉट मैरी एंड उनकी शादी जो है इस वजह से पोस्टपोन हुई एल्विस प्रेसली के करीबियों का यह भी कहना था कि एल्विस कभी शादी करना ही नहीं चाहता था जैसे कि उसके कुक ने यह कहा था कि शादी के एक दिन पहले एल्विस क्राइंग एंड सेइंग कि उसे शादी नहीं करना पर उसके पास चॉइस नहीं है देन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये चीज को डिनाई किया एंड बोला दैट एल्विस तो उल्टा खुश था ब्रसिला से शादी करने में जो भी हो अल्टीमेटली नाइनटीन को यह कपल ने शादी कर ली शादी जो है वो काफी ग्रांड तरीके से हुई थी एल्विस ने बहुत खर्चा किया था कहीं ना कहीं प्रेसिला पे उस दौर के दौरान न यह भी इल्जाम लगा था कि वो एल्विस के साथ इसलिए शादी करी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच है एल्विस जो था वो एक सेलिब्रिटी था एंड मिलियन था बट जो थी प्रेसिला एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती जिस वजह से मीडिया हमेशा ये कपल के रिलेशन को लेकर ब्रूटल आर्टिकल्स लिखती रहती फिर शादी के अगले साल 1968 में दोनों को एक डॉटर हुई जिसका नाम लीसा रखा गया शादी के बाद जब एल्विस प्रेसली वापस अपने काम में बिजी हुए तब प्रेसिला को काफी लोनली फील होने लगा उसे ऐसा लगता था कि उसका हस्बैंड उसे वक्त नहीं दे रहा पर एल्विस का काम भी हॉलीवुड में ऐसा था कि उसे कई बार घर से दूर रहना पड़ता कहीं ना कहीं वो रोमांस एनडीम से इनकी शादी से गायब होने लग गई थी एल्विस को ना कराटे का, का काफी शौक था तो एक बार उसने अपनी वाइफ को पूछा दैट क्या वो भी उसके साथ क्लासेस लेना चाहेगी प्रेसिला ने भी सोचा कि अगर वो भी कराटे क्लासेस ज्वाइन करती है तो हस्बैंड के साथ और वक्त गुजारने का उसको मौका मिलेगा तो इस वजह से उसने हाँ बोला बट लिटिल डेड शी नो कि ये उनके डिवोर्स का रीजन बनने वाला था माइक स्टोन जो था ना वो इनका कराटे इंस्ट्रक्टर था एलविस अगर कभी क्लासेस मिस करता तो माइक स्टोन से अकेले मिलती ये कुछ 1972 की बात है देखते ही देखते प्रेसिला एंड माइक एक दूसरे को पसंद करने लगे एंड उनके बीच में एक फेयर चालू हो गया एक इंटरव्यू में अफेयर के बारे में पता चला था, वो काफी हुए। के करीबियों ने अफेयर like के बारे में समझा तब वो इतना गुस्सा हो गया था दैट वो ऑलमोस्ट माइक स्टोन को मरवाने की सुपारी दे चुका था वो उसको खत्म करना चाहता था एंड में उसके दोस्त एंड बॉडीगार्ड के समझाने के बाद उसने वो चीज को जाने दिया एंड प्रेसिला को छोड़ने का डिसीजन लिया

कहा जाता है कि डिवोर्स के बाद बिना एलविस प्रेसिला को हमेशा मदद करता रहा वो अगर अपना कोई बिजनेस भी ओपन करना चाहती तो एल्विस उसमें सपोर्ट करता उसे। कही ना कही 14 का ये रिश्ता था उनका एल्विस ने अपने हेट नहीं कर पाया डिवोर्स के बाद दोनों के दूसरे लोगों के साथ रिलेशन रहे पर एक दूसरे के साथ उन्होंने दोस्ती बनाए रखी फिर आया 1977 का साल एल्विस प्रेसली एक टूर पे जाने वाला था जिसके लिए वो रेडी हो रहा था वो अपने ग्रेसलैंड लैंड में था जिंजर जोन की तभी गर्लफ्रेंड थी वो भी, भी तो उससे शादी करने का था मिला लेटर जब एलविस को हॉस्पिटल लेके जाया गया तब थ्री थर्टी को ही को हीउंस डेड फोर्टी टू ईयर्स की एज में ही पास अवे एक रिपोर्ट में कॉज ये बताया गया कि हार्ट अटैक है एंड दूसरे रिपोर्ट में ये भी किया गया कि एल्विस काफी सारे पिल्स लेते थे इस वजह से उन्हें अटैक आया जब एलविस की मौत हुई ना तब उनका मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नेटवर्क था एंड इसका का मेजोरिटी शेयर उनकी बेटी लीजा को गया जब लीजा ट्वेंटी फाइव ईयर्स की हुई तब उसने हंड्रेड मिलियन डॉलर्स का कुछ एस्टेट इनहेरिट किया ये 1993 में हुआ था पर लीजा के काफी गलत डिसीजन की वजह से उसका नेटवर्क गिरता गया आज के वक्त में नौ में है मिलियन डॉलर्स का कर्जा है उस पे। तो एलविस की लेगेसी में भी वो कैरी नहीं कर पाई पर उनकी एक्स वाइफ प्रेसिला प्रेसिली ने एस्टेट्स वगैरह को काफी अच्छे से हैंडल किया एंड इसी वजह से आज उसका नेटवर्थ ना फिफ्टी मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है एलविस एंड प्रेसिला का जो लव स्टोरी का एंडिंग था ना वो एपिक नहीं था पर इनके लव स्टोरी के बारे में काफी सालों तक बात होता रहा आज एल्विस की एक्स पार्टनर प्रसिला 77 की है और उनकी डॉटर 54 फोर ईयर्स की इंटरव्यूज के दौरान प्रसिला आज भी एलविस के बारे में बात करती है एल्विस को प्रेज करती है शी ऑलवेज कि वो उनका पहला प्यार था क्योंकि वो 14 ईयर्स की एज में उनसे मिली थी सो सोयादाज से दिस वीडियो डू लेट मी नो की एलविस एंड प्रेसिला की लास्ट स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना क्या है एंड इफ यू यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू